हेलो फ्रेंड्स, टेली ईआरपी 9 में आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो रहता है कि अगर आपने किसी कंपनी के पास से गुड्स एंड परचेज किए हैं या फिर सेल किए हैं ऑन पर्टिकुलर टाइम बैरल पे, यानी कि अगर टाइमिंग डिसाइडेड किया हुआ है कि 30 डेज क्रेडिट पे अगर आपने गुड्स परचेज किए और इतने सम अमाउंट आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल सीखेंगे। मिस्टर राघव परचेज द फॉलोइंग गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2013 फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर 30 डेज। इंटरेस्ट इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मिस्टर राघव ने श्याम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स से 2013 को गुड्स परचेज किए हैं जो नीचे दिए गए हैं, और 30 दिन की क्रेडिट पे उन्होंने गुड्स परचेज किए हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन अमाउंट दी है 10% पर एनम। यहाँ पे आपको आइटम दी है, क्वांटिटी दी है, रेट और पर और वैल्यू दिया है और रेट दिया है, वेट रेट। यहाँ पे टेबल फैन परचेज किए, क्वांटिटी 200 है और रेट है 650। पर में नंबर्स में कैलकुलेटर है, वैल्यू है 1,30,000 और रेट है 12.5%। उसी तरह से टेबल लैंप दिया है 300 रुपीज़ का, रेट है 1,600 पर नंबर्स और 4,80,000 वैल्यू बन रही है और वेट रेट है 4%। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो मिस्टर राघव हैं उन्होंने श्याम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स के पास से जो गुड्स परचेज किए हैं, जो नीचे दिए गए गुड्स हैं, उन्होंने क्रेडिट पे 30 दिन की क्रेडिट पे परचेस किए हैं, तो हमें अगर 30 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो इंटरेस्ट किस तरह से सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करें वो हम आज सीखेंगे। तो जिसके लिए हमें यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन विंडो, यानी कि हम टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट करने के लिए स्क्रीन के बॉटम में आपको F11 की दी है, कंपनी फीचर्स, उसमें हमें अकाउंटिंग फीचर में जाना है। अकाउंटिंग फीचर में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, उसमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसको भी आपको यस देना है और सब ऑप्शंस भी आपको यस देने, यानी यूजिंग एडवांस पैरामीटर भी आपको यस देके इस विंडो को एक्सेप्ट करवा देना है। हमने इस विंडो को एक्सेप्ट करवा दिया। अभी हम एस्केप करके F11 F3 यानी कि सिचुएटरी टैक्सेशन में जाके अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स में यस करेंगे और सेट अल्टर वैल्यू एडेड टैक्स में भी यस करेंगे और वैट डिटेल्स हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, स्टेट गुजरात, टाइप ऑफ डीलर रेगुलर करके हम वे डिटेल्स भी एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले बनाना रहेगा स्टॉक आइटम, सॉरी लेजर्स। उसके लिए अकाउंट्स इन्फो में हम यहाँ से लेजर में जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट लेजर बनाएंगे श्याम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स अंडर ग्रुप। श्याम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स जो है वो सेंड्री क्रेडिटर है, तो हम यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सेंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसमें हमें यस करना है। उस पर यस करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जो है इंटरेस्ट पैरामीटर। इंटरेस्ट पैरामीटर में हमें सबसे पहले दिया है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांसपेरेंसी बाय ट्रांजेक्शन यस करना है, ओवरड्यू पैरामीटर में भी यस करना है और ओवरराइड एडवांस पैरामीटर में नो करना है, और रेट हमें यहाँ पर 10% देना है, डेज में 365 डेज पर ईयर करना है और यहाँ से आपको पास्ट ड्यू डेट करनी है और क्रेडिट बैलेंस शीट बैलेंस ओनली करना है। इस तरह से हमें डिटेल फिलअप करनी है और बाकी के ऑप्शंस को
इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस और बाकी का नॉट एप्लीकेबल करके हम यहाँ से एक्सेप्ट करवा देंगे और ये हमारा लेजर बन गया। ये हमारा फर्स्ट लेजर बन गया। अभी सेकेंड लेजर हम बनाएंगे इनपुट वेट एट द रेट 4% अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस और हम यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटीज में वेट लेंगे और इनपुट वेट एट द रेट 4% सिलेक्ट करेंगे वेट टैक्स क्लासेस में से और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इसी तरह से इनपुट वेट एट द रेट 12.5% लेंगे क्योंकि हमने यहाँ से दो गुड्स परचेज किए हैं डिफरेंट वेट रेट के हिसाब से, एक हमने 4% और एक हमने 12.5% का लिया है। तो हम यहाँ पर 12.5% वाला इनपुट वेट क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप वेट और वेट टैक्स क्लासेस में इनपुट वेट एट द रेट 12.5% और एंट्रीज को एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट आपको दिया है आउटपुट वेट एट द रेट 4% अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से वेट टैक्स क्लासेस में और सब क्लास में आउटपुट वेट और आउटपुट वेट एट द रेट 4% और बाकी की डिटेल एज इट इज रख के हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ये लेजर्स बनाना हम आगे के ट्यूटोरियल में भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे आउटपुट वेट एट द रेट 12.5%, यहाँ पे वेट टैक्स क्लास में वेट लेंगे और सब ड्यूटीज में आउटपुट वेट एट द रेट 12.5%। इस तरह से इस लेजर को भी हम एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे परचेस एट द रेट 4% अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट, यूज्ड वेट रिटर्न में हम यहाँ से यस करेंगे और वेट टैक्स क्लासेस में से हम यहाँ पर परचेस एट द रेट 4% सिलेक्ट करेंगे और बाकी की डिटेल हम एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से परचेस एट द रेट 12.5% अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट, यूज्ड वेट रिटर्न में हम यहाँ से यस करेंगे और परचेस एट द रेट 12.5% सिलेक्ट करेंगे और हम यस करके एक्सेप्ट करवा देंगे लेजर को। नेक्स्ट हम बनाएंगे लेजर में सेल्स एट द रेट 4% अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, यूज्ड वेट रिटर्न में हम यहाँ से यस करेंगे और वेट टैक्स क्लासेस में सेल्स एट द रेट 4% और एक्सेप्ट करवा देंगे। इसी तरह से सेल्स एट द रेट 12.5% अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट और यूज्ड वेट रिटर्न में हम यहाँ से यस करेंगे अंडर ग्रुप सेल्स एट द रेट 12.5% सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हमारे सारे लेजर्स क्रिएट हो गए। अभी हम एस्केप करके बाहर आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे लेजर्स बना के दिए हैं, इनपुट वेट 12.5% 4%, आउटपुट वेट 12.5% 4%, परचेस 12.5% एंड 4%, सेल्स 12.5% एंड 4% और पार्टी नेम। अभी हम एस्केप करके बाहर आ रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन पास करेंगे। फर्स्ट है परचेस, श्याम इलेक्ट्रॉनिक के पास से हमने परचेस किया, पार्टी नेम श्याम इलेक्ट्रॉनिक, परचेस एट द रेट 4%। टेबल फैन परचेस किए है 200 क्वांटिटी, रेट ऑफ 650 पर और 130,000 और इनपुट वेट 12.5% यानी वेट वेट 12.5% है। तो हम यहाँ से परचेस 12.5% वाला लेंगे और यहाँ से हम अल्टर सी करके आइटम नेम बनाएंगे टेबल फैंस, अंडर ग्रुप अल्टर सी करके हम यहाँ पर डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। यूनिट ऑफ मेजर्स में हम डालेंगे नंबर्स, इसको भी हम एक्सेप्ट करवा देंगे। बाकी की डिटेल एज इट इज रख के हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी आप देख सकते हो टेबल फैन क्वांटिटी है 200, रेट है आपको यहाँ पे दिया है पर 650 यानी पर 650 हम यहाँ पर डालेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। नेक्स्ट लेजर बनाएंगे टेबल लैंप्स, अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक, यूनिट ऑफ मेजर्स में नंबर डाल के हम एक्सेप्ट करवा देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 300 क्वांटिटी है, रेट 1600 है, 300 क्वांटिटी रेट 1600 बट
4% वेट रेट है, तो हम इसको निकाल देंगे क्योंकि 4% नहीं, हम यहाँ पर 12.5% वाली एंट्री कर रहे हैं, तो हम इसको बैकस्पेस करके 4% वाली एंट्री को रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो टेबल लैम्प 4% रेट से ला है और फैन 12.5% के रेट से लिया है, तो हम टेबल लैम्प को रिमूव कर देंगे यहाँ पर एंड लिस्ट देके, और इनपुट वेट एट द रेट 12.5% एप्लीकेबल कर देंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से अभी हम नेक्स्ट एंट्री पर मूव करेंगे, सेम श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, परचेस एट द रेट 4%, टेबल लैम्प्स क्वांटिटी है 300 एट द रेट ऑफ 1600, एंटर करके इनपुट वेट एट द रेट 4% के हिसाब से वेट कैलकुलेट हो गया, इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम हैशकैप करके बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे हम कंपनी फीचर्स में जाएंगे, इन्वेंटरी फीचर्स, जिसमें हम यहाँ से एक्सेस करेंगे यानी कि अनेबल करेंगे यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, उसमें इनवॉइस मोड क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को हम यस करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया है ऑन 1 जून 2013 मिस्टर नीनामा पेड बाय चेक टू श्याम इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेडर्स टूवर्ड्स बिल डेटेड 1 अप्रैल 2013, यानी जो मिस्टर नीनामा है उन्होंने 1 जून 2013 को जो बिल 1 अप्रैल 2014 का दिया था उस दिन की पेमेंट की, यानी कि नोट दिया है ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ 1 मंथ मिस्टर नीनामा हैज़ टू पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन एडिशनल टू बिल अमाउंट, यानी बिल की जो अमाउंट है उस पर 10% एडिशन में उनको टैक्स पे करना रहेगा, सॉरी इंटरेस्ट पे करना रहेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करनी रहेगी जो है ऑल्ट के साथ F8, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगी पार्टी की, और अभी हम यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे, जिसे हम एज वाउचर में कन्वर्ट कर देंगे, एडजस्टमेंट टूवर्ड्स सेल्स टू कमीशन एजेंट, और यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे अमाउंट जो करंट बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाई देगी, हम वो अमाउंट डालेंगे 645450, यानी 6,45,450। फर्स्ट में अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, सेकंड में भी हम यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस ले रहे हैं, और यहाँ पे ऑन अकाउंट ले रहे हैं। इस तरह से हम एंट्रीज को पास आउट करेंगे और अल्ट सी करके इंटरेस्ट ड्यू का एक नया लेजर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू है, पे नहीं किया है, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट ड्यू का लेजर बनाएंगे जो हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ से टैक्स में हम वेट में डालेंगे और बाकी की डिटेल्स हम अप्लाई करके उसको एक्सेप्ट करवा देंगे, और यहाँ से वेट टैक्स क्लासेस में भी हम यहाँ से उसको अप्लाई कर लेंगे। 6,45,450 की एंट्री हो गई। अभी हमें इसको इंटरेस्ट ड्यू को पेमेंट यानी पे करना रहेगा, तो हम पेमेंट में जाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू डालेंगे, और जो करंट बैलेंस में अमाउंट है हम वो अमाउंट डाल देंगे 6,45,450, और कैश में हमने पेमेंट किया है तो हम यहाँ से कैश डालेंगे। इस तरह से हम एंट्री पास कर सकते हैं। थैंक यू।